हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कार्टिक्स लाइव ट्रेडिंग, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं बेस्ट और इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्ट्रेटजी के साथ आई हूं जो आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा, आपके ट्रेडिंग को बूस्ट जरूर करेगा, एनहेंस जरूर करेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं और इसका जो विनिंग रेशियो है वो लॉस रिकवरी के लिए बेस्ट है और काफी अच्छा हमको शॉर्ट शॉर्ट मिलता है। और क्या कहना जब इसको हम प्राइस एक्शन के साथ भी ऐड कर देते हैं। तो सब कुछ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में पूरा बताया है, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ लॉस से बचना है, क्योंकि प्रॉफिट करना इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू कहाँ लॉस नहीं करना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पर अधिकतर ट्रेडर फेल हो जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप और इन डिटेल और डेप्थ में बताया है काफी इजिली वे में। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखो, नहीं तो प्रॉफिट करने की जगह हो सकता है कि शायद हम लॉस कर बैठे। ओके, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी अकॉर्डिंग टू द ओनली प्राइस एक्शन, ओके, मैंने कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं यहाँ पर अपर डायरेक्शन की ट्रेड ले सकती हूँ। वैसे ही गाइस, आज इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ बल्कि प्राइस एक्शन भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज इसके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वी आर जस्ट अ फैमिली। तो जो भी आपको डाउट्स होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे या फिर प्राइवेटली टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करती हूँ एज सून एज पॉसिबल। तो प्लीज अपने डाउट्स टेलीग्राम पे पूछना मत बोलना, और साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो मैं ट्रेड करती हूँ ना, ये जो शॉर्ट शॉर्ट्स है डेली बेसिस पे, मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करती हूँ। काफी लोग इसका प्रॉफिट लेते हैं, काफी लोग डेली बेसिस पे से सिंपली कॉपी करके प्रॉफिट करते हैं और मेरे साथ सीखते भी है, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको गिव अवे, डेली लर्निंग कंटेंट और ट्रेडिंग सिग्नल्स, ये सारी चीजें मिलती है। तो अगर आप टेलीग्राम मिस करते हो तो आप काफी चीजें मिस कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, अपने डाउट्स मुझसे जरूर पूछो, हमारे बीच में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब खोले और मेरा वीडियो देखे और चलते बने। फर्स्ट ट्रेड गाइस हमारा विन हो गया है विद द प्राइस सेक्शन। अभी हम इंडिकेटर का भी यूज करेंगे, तो मेरे पास इतना ही कहना है कि हमारी कुछ ऐसा दाव होना चाहिए कि हम वीडियो देखें और टाटा बाय बाय। वी आर जस्ट अ फैमिली, जितने भी डाउट्स होते हैं आप मुझे बता सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगी आपको हेल्प करने का। ओके, जहां तक मेरे से बन पाता है मैं पूरा कोशिश करूंगी। और इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया है ना, आप सीरियसली अगर आप इसको फॉलो करते हो ना सीरियसली, तो आप नेट प्रॉफिट में होगे ही होगे। हो सकता है कि किसी दिन ना हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। इस स्ट्रेटजी के लिए देखो, इस इंडिकेटर सेक्शन में टू मेन इंडिकेटर्स, ओके, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो है क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही फेमस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरा वैल्यू रहेगा वो 5 रहेगा, और कलर को कर लेंगे ग्रीन विथ SMA, यानी कि ये मेरा SMA है, ठीक है। अब एक और हम जाएंगे मूविंग एवरेज को लेंगे, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू, इसको 20 रखेंगे और ऑरेंज की वैल्यू रखेंगे, तो 2 SMA हो गया। अब यार देखो, जिसका कम होता है ना वैल्यू, अब आपको कुछ और इंडिकेटर है, बस इतना नहीं है, क्योंकि इतना तो आपको पता चल ही गया है कि क्या फंडा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना समझाना चाहती हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल का मैं बताना चाह रही हूँ, कि ये जो मेरा SMA होता है ना, तो जो कैंडल के ज्यादा पास में होता है वो उतना कम वैल्यू का होता है, और जो जितना दूर होता है वो उतना ज्यादा वैल्यू का होता है, ठीक है। अब ये चीज आपको दिख जाएगा तब जब मैं एक और मूविंग एवरेज को लूंगी, और इसका जो वैल्यू मैं इसको 51 रखूंगी, तो आपको दिख जाएगा कि ये मेरा जो मूविंग एवरेज है एकदम दूर चला गया, क्योंकि इसका वैल्यू हमने ज्यादा रखा, मतलब ये बड़ी पिक्चर है, इसमें बड़ी पिक्चर में चीजें हो रही है। लेकिन एक ट्विस्ट है, इसको हम SMA नहीं करेंगे, इसको हम WMA करके रखेंगे, ठीक है, वेटेड मूविंग एवरेज, ये हमारा होता है। अब वो भी हमारी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट, इतना सा स्ट्रेटजी था, और मार्केट की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो चीज को हम ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई करते हैं फर्दर फ्रॉम द आल्सो प्राइस एक्शन। ओके, अब देखो ये जो स्ट्रेटजी है, इस बेसिस पे हमको कैसे प्रॉफिट होगा। सबसे पहले बेसिक टू बेसिक, ये जो SMA 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, SMA 5 हो गया ये ग्रीन कैंडल, तो ये जो ग्रीन लाइन अभी करेंटली यहाँ पर जो बन रही है वो क्या है गाइस, वो पिछला जो मेरा 5 कैंडल है, ठीक है। अब एक मिनट का चार्ट दिख रहा है, यानी कि पिछला जो 5 कैंडल है वो 5 मिनट का हुआ। अगर हम एक दिन का देखेंगे तो पिछला 5 कैंडल 5 दिन का हुआ, तो ठीक है, ये पीरियड 5 पीरियड, तो जैसे कि ये कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसके पिछला जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक जो मेरा कैंडल है गाइस, इस कैंडल के प्राइस का, जैसे पर्टिकुलर एसेट मेरा क्या है, ये जो USDCHF का मेरा जो एसेट है, उसमें जो कैंडल का भाव चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है, कैंडल क्या होती है, कैंडल हमको
किसी शेर कोई शेर होता है ठीक है, वो हमको कैंडल के रूप में दिखता है। अब ये जो कैंडल के अंदर क्या होता है, प्राइस होता है। अब ये जो पांच कैंडल, पिछला पांच कैंडल का जो प्राइस का जो एवरेज निकल कर आएगा, उस बेसिस पे ये जो करेंट लाइन है वो फॉर्म हो रहा है ठीक है। इसीलिए हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक से दो मिनट का ट्रेड लेते हैं, तो हमको जो भी पिछला कैंडल है ना उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू बड़ी पिक्चर, एकदम पीछे का पीछे का पीछे का पीछे का पीछे का। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा 5 वैल्यू पैस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैंने एक और रखा है 20 वैल्यू में, यानी कि पिछला जो 20 पीरियड 20 कैंडल्स है उसका जो एवरेज निकल कर आ रहा है उस बेसिस पे मेरी रेड लाइन फॉर्म होगी। और एक बड़ी पिक्चर है जहाँ पर इसका वैल्यू हमने 50 रखा है या 51 रखा है, ये पिछला जो 50 या 51 कैंडल है उसका एवरेज हमको शो करके देगा बड़ी पिक्चर में, जो कि हमको मार्केट का ट्रेंड और स्ट्रेंथ बताएगा। कैसे? तो सिंपल है गाइस, देखो अगर 51 WMA के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रही है, यानी कि हम अप डायरेक्शन की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ये अप डायरेक्शन का मार्केट हुआ ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी हमको अप डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी देखना है। एज अ सेफ ट्रेडर आप नेगेटिव भी जा सकते हो, पॉजिटिव भी जा सकते हो, ये आपके रिस्क और आपके एक्सपीरियंस और आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है ठीक है। अब WMA लाइन के नीचे में अगर हमारा ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड है, हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, सिंपल ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे ठीक है, क्योंकि क्यों लेंगे, क्योंकि WMA के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रहा है। अब एक चीज जो आपको चाहिए वो है ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर से, मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड के लिए बता रही हूँ, ये जो ग्रीन लाइन है नीचे से ऊपर की और अगर रेड लाइन को क्रॉस करते हुए जाती है तो ये हमको चाहिए ही चाहिए अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं जो ट्रेड लूंगी वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, इसलिए मैं जो ट्रेड है वो 15 सेकंड के लिए लूंगी। अब मैं देखो, मैंने 15 सेकंड का ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मेरा एक नियर बाय में जस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, आपको दिख रहा है एकदम नियर बाय में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट हो और एक कैंडल नेगेटिव बनने को मिल जाए, इसीलिए मैंने सिर्फ 15 सेकंड ओके इसलिए गाइस मैंने सिर्फ 15 सेकंड के लिए ट्रेड लिया है, क्योंकि हो सकता है कि हमको जो एक कैंडल है वो नेगेटिव दिखने को मिल सकती है। ओके सो यहाँ पर हमारा सेकंड या थर्ड ट्रेड था वो विन हो गया है। और कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि एक चीज और है, जैसे कि क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ और आप ट्रेड प्लेस करोगे यहाँ पर तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये मेरा प्रॉफिट टाई था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो मार्केट है इसको तोड़कर ऊपर चला गया है, मार्केट करेक्ट हुआ और अब जो मार्केट को शक्ति मिला है भाई वो तो अब जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लेने का हिम्मत रखा ठीक है, क्योंकि मार्केट पुल बैक के साथ ऊपर जा रहा है। ओके, तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है। और कॉन्सेप्ट क्या है डाउन डायरेक्शन का ट्रेड का, हम ये समझते हैं, उसके बाद फिर और जो सीक्रेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और प्लीज इसके लिए मुझे मोटिवेट करना, मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, आप वीडियोस देखते हो और चले जाते हो, और आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो तो आपको ये प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन मेरा क्या, मैं सिर्फ आपके एक लाइक और एक कमेंट की वजह से मोटिवेट हो जाती हूँ, तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलना, एक एक इंसान का लाइक एंड कमेंट बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं हमारे लिए, मेरे लिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा जो WMA लाइन है उसके नीचे में कैंडल फॉर्म हो रहा है, यानी कि हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, लेकिन तब तक नहीं लेंगे जब तक जब मेरी दो लाइन है उसका क्रॉसओवर नहीं मिलता। तो यहाँ पर मिल चुका है, आपको दिख रहा है। एक सीक्रेट ये है कि आपको चाहिए कि ग्रीन लाइन ना सिर्फ जो मेरी ग्रीन लाइन है ना सिर्फ रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आए, अगर वो ब्लू लाइन को भी क्रॉस करके नीचे आ जाती है, और ये आना ही चाहिए, तब जाकर आपको ये 100% शॉर्ट शॉट मिलता है, तो आप डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड लोगे। मतलब क्या मैंने कहा, ब्लू लाइन के नीचे में दोनों लाइन का होना अत्यंत आवश्यक है, और उसके ऊपर से ठीक है, ब्लू लाइन के ऊपर से ग्रीन लाइन का रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आना, ब्लू लाइन को भी क्रॉस करके नीचे आ जाना हमारे लिए बेहद जरूरी है, तब जाकर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड लेंगे। और जिसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान में रखना है, एक यहाँ पर लेवल है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मार्केट यहाँ पर अप गया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट दिया है, और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद जो कि लगभग इस कैंडल पे हमको दिखने को मिल रहा है, इस कैंडल पे अगर अब हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करते हैं, हम ऊपर विन करते हैं अगर हम $1,000 के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो, लेकिन अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ ट्रेड यहाँ लेंगे तो भाई थोड़ा रिस्की है ठीक है, ऐसे हमको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, अदरवाइज हम रिस्क में आ जाते हैं। ओके,
तो यहाँ पर हमारा ट्रेड विन हो चुका है और चलो कुछ लाइव ट्रेड लेते ताकि मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बता पाऊँ जो कि मैं चाहती हूँ कि आपको मैं इस वीडियो में कवर करूँ। ओके तो गाइस एक चीज आपको दिख रहा है, जो नीचे से ग्रीन लाइन है और ऊपर जाके इस ब्लू लाइन को भी क्रॉस कर दिया है और रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया है लगभग, और कैंडल ब्लू लाइन के ऊपर बन रही है यानी कि अप डायरेक्शन की हमको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रही है। और ये एक रेड कैंडल को हम इस कैंडल के रिएक्शन को देखेंगे, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम अप की ट्रेड ले या डाउन की ट्रेड ले। क्योंकि एक चीज जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम देख रहे हैं वो है कि जो कैंडल है वो तीन कैंडल को आप देखो, ये कैंडल को देखो, इस ग्रीन कैंडल को देखो, उसने अपने मोमेंटम को लूज कर दिया है। तो यहाँ से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लेकिन अब मैंने अपने रिएक्शन का ट्रेड प्लेस किया है क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन है एकदम से आपको बड़ी बनती हुई दिखती है, मतलब यहाँ से प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, मूविंग है प्राइस हमारा। और ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रहा है अभी एकदम जस्ट हमको यहाँ पर क्रॉस ओवर दिखने को मिला है। और मार्केट की जो रेड ग्रीन कैंडल है उसने मोमेंटम को लूज किया है, जिसकी वजह से एक ग्रीन कैंडल करेक्शन कैंडल बनी है मार्केट को और ताकत देने के लिए, ताकि ये जो मेरे रेजिस्टेंस पूरा का पूरा जोन है वो मार्केट को बहुत ज्यादा ताकत दे और अप जाने के लिए, ताकि हम ये ट्रेड को विन कर सके। और मार्केट अप जाएगा ही जाएगा क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो बन गया है सपोर्ट, और ये जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रहा है, क्रॉस ओवर भी हो गया है और यहीं पर क्रॉस ओवर हुआ है और यहीं पर ट्रेड भी प्लेस कर दिया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इस बेसिस पे हमने ट्रेड प्लेस किया, देखते इसका रिजल्ट क्या होता है। और इस वीडियो में हम ज्यादा ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, अगली वीडियोस में मैं इसको ट्राई करूंगी 1 लाख तक का अमाउंट करने का। ओके। तो गाइस देखो ये ट्रेड हमारा विन हो गया है और अब हम फिर से जो ट्रेड प्लेस करेंगे वो होगा हमारा लास्ट ट्रेड होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो अभी ज्यादा लंबा करूं मैं, और आई थिंक वो हमको करना चाहिए। पूरा ही अमाउंट के साथ जाएंगे, ओके पूरे अमाउंट के साथ चलते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम जब एक ही करेंसी पर ट्रेड करते हैं तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाती हूँ, इसीलिए हमको क्या चाहिए, करेंसी भी थोड़ा चेंज करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कि हमको कहाँ पर और अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखने को मिल रहा है। ओके तो यहाँ पर देखते क्या हो रहा है, ये मार्केट यूरो CHF में डाउन डायरेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है, डाउन डायरेक्शन का ट्रेड एक बार भी नहीं लिया था हमने, इसलिए डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना भी ज़रूरी है। अब अभी एक चीज़ देख रहे हो, जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करने ही वाला है, किया नहीं है, करने ही वाला है, और साथ ही साथ जो रेड कैंडल है उसकी मोमेंटम लूज हो रही है, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल तगड़ी मिल रही है, लेकिन ये डाउन जाएगा मार्केट, इसलिए डाउन जाएगा क्योंकि जो ब्लू लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट को जरूर ये नीचे फेंकता है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट का डाउन जाना तय है और क्रॉस ओवर डाउन डायरेक्शन की सिग्नल हमको दे दिया है, लेकिन जो कैंडल है वो ग्रीन बनते हुए मिल रही है, इसलिए हम अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ये चीज आपको ख्याल में रखना है कि हम ट्रेड क्रॉस ओवर होने के बाद हम तुरंत ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्रॉस ओवर होने के बाद अगर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं तो हमको एक रेड कैंडल चाहिए और उसके बाद भी एक रेड कैंडल चाहिए जो 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 ऐसा है, एक सेकेंड, जो ऐसा है जैसे कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर करने वाली कैंडल रेड है, ठीक है। अब हमको अगली रेड कैंडल चाहिए और वो ऐसी ऐसी रेड कैंडल नहीं चाहिए, ये जो लो है ना, इस कैंडल का जो लो है, लो के नीचे से ओपन होने चाहिए, तब जाकर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करें, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको कहीं हम और भी समझते हैं, ओके, जहाँ पर हमको क्लियरली पता चल रहा हो कि हम कब ओपन करेंगे, एंट्री पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर हमको क्लियरली ट्रेंडिंग मार्केट दिखे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रेंडिंग मार्केट में आपको फॉलो होगा, ट्रेंडिंग मार्केट में आप अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से जाना, मैं पहले बता रही हूँ, नहीं तो आपको मिल सकता है नेगेटिव रिजल्ट। क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ, ये कैंडल मेरा फॉर्म हुआ, ये कैंडल ये मान के चलो ये कैंडल फॉर्म हुआ, या फिर अगली कैंडल हमको ऐसी चाहिए जो इसके लो के ऊपर से फॉर्म होनी चाहिए, तो हम अगली ट्रेड पे कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ, जैसे कि ट्रेंडिंग मार्केट, गाइस ट्रेंडिंग मार्केट हमारा मस्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये 2-3 कैंडल थोड़ा सा मिसबिहेव करते हुए दिखी है, क्योंकि ये जो एक लेवल है वो मार्केट को यहाँ पर ऐसा करने को मजबूर किया है, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको लेवल नहीं मिलता है वहां पर ये आप बिंदास फॉलो करो। क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ, इस रेड कैंडल ने क्रॉस दिया, इसका जो लो है, इसका लो तो उतना है नहीं, मान के चलो कि इसका तो वैसे लो है नहीं, जो कि यहाँ पर मान चलो इसका लो रहता, तो ये लो के, ये जो कैंडल नीचे बनती है उस लो के नीचे क्लोजिंग दे देनी चाहिए, इसने दे दिया। अगर ये कैंडल मान चलो इसका इधर एक लो बनता है, तो ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पर जैसे क्लोजिंग दे दिया ना इसके नीचे, तो अब यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और अगेन गाइस ट्रेंडिंग मार्केट में इसको फॉलो मत करना, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखो मार्केट अप जा रहा है क्योंकि हमने फॉलो नहीं किया, आपको यहाँ पर डाउन की सिग्नल मिल रही थी, लेकिन यार
डाउन की तो सिग्नल मिल रही है, लेकिन एक रेड कैंडल मिलना चाहिए और उस रेड कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल खत्म हो जाना चाहिए जो कि नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल बन गया। तो हमको कैंडल को भी फॉलो करना है, और ये कैंडल क्या है, प्राइस एक्शन को जरूर फॉलो करना है। अब मार्केट हमको अपकी मूवमेंट दे रहा है और हम अपकी ट्रेड जरूर लेंगे, क्योंकि इस कैंडल के बाद मुझको लगता है कि मार्केट को कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। और गाइस, इस वीडियो में मैंने थोड़ा अमाउंट को ही बढ़ाया है, ज्यादा मैंने इस वीडियो में नहीं बढ़ाया है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और आपको इस पे, जब मार्केट फ्लक्चुएट करे तो आपको ट्रेड नहीं करना है और आपको ट्रेंडिंग मार्केट में इसको फॉलो करना है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज मुझको कमेंट में बताइएगा या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली टेक्स्ट करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, जहाँ पर मैंने अभी मूविंग एवरेज विथ डब्ल्यू को मैं आपको बताया और क्रॉस ओवर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा प्राइस एक्शन के साथ, और कैंडल मोमेंटम को जरूर देखना यहाँ पर ट्रेड किस किया है, क्योंकि यार देखो कैंडल का जो ग्रीन कैंडल का जो मोमेंटम है वो बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेलर्स आना चाहे, लेकिन अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखने को मिली। मोमेंटम लूज होने के बाद भी एक ग्रीन कैंडल दिखने को मिली, रेजिस्टेंस लेवल पर था, यहाँ पर तो और छोटा कैंडल दिखने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी एक बड़ा कैंडल दिखने को मिला, मतलब बजट्स यहाँ पर फुल्ली अप है, मार्केट अप जाना चाहता है। इसकी कंफर्मेशन इसकी कंफर्मेशन हमको क्रॉस ओवर से मिलती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पर अपर डायरेक्शन का ट्रेंड फेस कर दिया। तो ऐसे आपको मार्केट को रीड करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करना, कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज यार, और टेलीग्राम में आप मुझे अपने डाउट से पूछ सकते हो और ट्रेडिंग सिग्नल्स में भी एक्सेस ले सकते हो, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो टेलीग्राम मिस मत करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।